जस्ट लाइक एलगार्ड इन क्रिकेट लंघा कभी भी प्राज ने मारा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा ये आवाज भी बढ़ती जाएगी और सनसेट जो वो होने वाला है। यस यस ओके। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आई एम अफ्रेड ऑफ अंडरग्राउंड। हे व्हाट्स अप गाइस, सो अभी करंट लोकेशन मोन बट अपर मोन एंड फ्रॉम मोन आई एम गोइंग टू तोबू। तोबू इज़ अराउंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और भाई तोबू मेरे को इसलिए जाना है क्योंकि तोबू से मेरे को निकलना है किफ्री की तरफ, और अगर डायरेक्ट जाऊँगा तो 150 और 200 किलोमीटर्स में काम चल जाएगा। सो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि आज के लिए नो ट्रांसपोर्टेशन, टुमारो इज संडे नो ट्रांसपोर्टेशन अगेन, एंड मंडे को भी बस नहीं है। सुमो जो है वो 3:30 पे है, 3:30 इवनिंग। सो आई कांट वेट। सो दिस इज माई मैप टू गो बाई फूट 120 किलोमीटर्स ट्रैकिंग अराउंड नागालैंड। ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छा होने वाला है। सो फॉर माई ट्रिप आई हैव ओट्स एंड लिक्विड मिल्क मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट दिस इज पाउडर एंड 4 लीटर्स ऑफ वाटर, ये काफ़ी होगा। और बाकी रास्ते में मिल जाएगा, इतना भी जंगल नहीं आने वाला मेरे हिसाब से। आई हैव वन दाव आल्सो फॉर माय सेफ्टी। अपनी हेयर स्टाइल तो इसी भालाशे। ओके थैंक यू। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर रोड फॉर तोबू एंड फुल ऑफ जंगल 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 जंगल। और अभी का जो प्रॉब्लम वो ही है कि यार जल्दी से सूरज ढलने वाला है, प्रॉब्लम्स काफ़ी आने वाली हैं। दिस जंगल, दिस काइंड ऑफ लैंडस्लाइड एंड जंगली जानवर, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आई एम अफ्रेड ऑफ underground. Ooh, look at there, just look there, what a beautiful hut. So 10 से 15 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। फास्ट चलाना क्योंकि ये तो चलने का टाइम था, स्टार्टिंग में एनर्जी होता है, धीरे धीरे डाउन होता जाएगा तो किलोमीटर भी कम निकलता जाएगा। आपको जंगली जानवरों की आवाज़ सुन रही होगी, टर टर। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा ये आवाज़ भी बढ़ती जाएगी, और सनसेट जो वो होने वाला है। सामने पहाड़ियों के पीछे सूरज छिप चुका है। भाई ऐसे ना सुंदर सुंदर झोपड़ियाँ आती रहेंगी रास्ते में, करने को तो मैं इनके अंदर भी आराम कर सकता हूँ, मगर ऐसे रुका तो अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होगा। अपनी खान अबोई मोन डिस्ट्रिक्ट आइले स्वागत कुरिया से। तो अभी हूँ मैं विद ए हेड हंटर, एक कोन्याक फैमिली के साथ में, एंड दिस हेड स्पेशली इट बिलोंग्स टू कोन्याक ट्राइब। दिस मैन, अपना नाम क्या है? पंग्याल। पंग्याल, इनका हंटिंग का कलेक्शन दिखाता हूँ मैं, अब आपको पता चलेगा कि कोन्याक ट्राइब बाकी नागालैंड से कैसे डिफरेंट है। भाई मैंने नागालैंड में इतना ऐसा सीन कभी नहीं देखा। सबसे पहले तो इनका जो घर बनाने का स्टाइल है, दिस थिंग, ये आपको नागालैंड में कहीं नहीं मिलेगी, स्पेशली कोन्याक ट्राइब का हट ऐसा मिलेगा आपको। और ये एक रूम नहीं है, इसके अंडर में पूरा घर आता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू सी हिज हंटिंग कलेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एक हिरन आशे क्या आशे? जंगली सुअर? गौरी। ओके, गौरी 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 गौरी, टोटल गौरी का कलेक्शन यहाँ तक। और यहाँ पे कुछ जो जंगली हिरन होता है, चिंकारा, डियर्स एंड वाइल्ड पिग, वो सब का भाई इतना कलेक्शन तो मैंने जो आपका लोंगवा के अंदर आंग था उसके घर पे भी नहीं देखा था। ये कितना साल में इकट्ठा किया है इन्होंने? ज्यादा साल हो गया। जस्ट चेक आउट इनसाइड, मेरे को बैंड करके घुसना पड़ रहा है क्योंकि मेरा हाइट ही इतना है यार। ये लोग तो आराम से घुस जाते हैं क्योंकि इनका हाइट छोटा होता है ना, टोपी लगाने के बाद भी। नाउ चेक आउट हिज ओल्डेस्ट कलेक्शन, ये जितना भी जंगली चीरी मारा उन्होंने, इनका कलेक्शन पैर पैर पैर, ये सब वही चीज़ हैं जो कि मैंने ये पहन रखा है ना, ऐसा कुछ। एंड ये हिरन का सिंग, जैसे चिंकारा, भाई 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 कितने, मेरा भी आदर करने लगा दिखाते हुए आपको। एवरीवेयर ये सब कुछ मिलेगा आपको। ये किस चीज़ का पूंछ है? ये भी पूरा जंगल बिल्ली का है, जंगली बिल्ली का ना। और अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मस्त सा, द ऑब्जेक्ट ही यूज टू किल ऑल दिस थिंग्स। इतना ऊंचा हो जाता है क्या? मजल लोडिंग गन्स, ये आपके नागालैंड में ही बनाते हैं ना? नागालैंड में बनते हैं। अगर मैं ऐसा खरीदना चाहूँ तो खरीद सकता हूँ? इसके लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए ना? खरीद तो सकता हूँ लेकिन अब लेके नहीं जा सकता ना, नागालैंड में यूज कर सकता हूँ। भाई ये जो आपको मजल लोडिंग गन दिख रहा है, इसको मजल लोडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो चीज़ है ना, इसके बिना ये गन आप यूज में नहीं ले सकते। यहाँ पे जो बारूद और जो लकड़ी की जैसा सेम बुलेट के शेप का होता है वो डालेंगे इसमें, और फिर ऊपर से इसको ऐसे ठोकेगा। पूरा ठोकने के बाद योर गन इज रेडी टू शूट। ये कितना पैसे का? सर 7-8 हज़ार होगा। कितना पुराना होगा ये? तो आपको पिताजी का खरीदा हुआ होगा? ये बनाया घर पे बनाया?
इसी वजह से मैंने आपको पहले भी काफ़ी स्टोरी सुनाई है ना कि कैसे मतलब कोन्याक लोग सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होते थे, टैलेंटेड होते थे इन ऑल ओवर द नागालैंड और यू कैन से नॉर्थ ईस्ट, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम से इन लोगों को नशा पता स्टार्ट करा दिया, जैसे कि आपने ओपियम देखा था और वो चीज़ें स्टार्ट करने के बाद ये सब लोग जो ब्रिलियंस था इनके अंदर वो धीरे 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 अब का जो टाइम ऐसे है कि आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिशर्स सबसे बैकवर्ड कोन्याक बचा है अभी, वरना भाई किसी टाइम पे ये लोग होता था जो कि सबका बाप होता था नागालैंड के अंदर। एंड जो आप ये हैट देख रहे हो ये कोन्याक का स्पेशल हैट, यहाँ पे ये जो लगा है ये किसका दांत है? ये बिग का है, बिग पिग जंगली सुअर का। नहीं, नहीं, नहीं। और ये ऊपर जो पंख लगा है ये चिड़िया का। ये आप पुराने टाइम में ऐसा पहन के रखता था बूढ़ा लोग, जो पुराना टाइम होता था तब एवरी टाइम ये पहनता था? नहीं नहीं नहीं, कोई फेस्टिवल पे? फेस्टिवल में हम लोग पहनते हैं। ओके, आपका कौन सा फेस्टिवल आता है? एक अप्रैल में आता है ना, क्या नाम होता है? आउलिंग फेस्टिवल। और जैसे पूरे नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेमस है वैसे ही कोन्याक लोग का स्पेशल है भाई आउलिंग फेस्टिवल। अगर आपको रियल कल्चर देखना हो तो आउलिंग में आना पड़ेगा आपको। मैं भी नेक्स्ट टाइम आने का प्लान कर रहा हूँ आउलिंग फेस्टिवल इन अप्रैल ना। और इस कैप का एक और स्पेशल चीज दिखाता हूँ, ये आपको जो बाल दिख रहा है ये आदमी का सुअर का है, किसी जानवर का नहीं है भाई, ये भालू का है। ये किसने मारा था? नहीं, दूसरा आदमी ने मारा हुआ। अच्छा अच्छा, गांव से ले, गांव से मांग के ऐसे मेरे को देना मेरे को देना। अभी भालू बचा है या खत्म हो गया? अभी तो आया नहीं, नहीं है, नहीं। पूरा शिकार करके खत्म खत्म। ओके यार, इन गन्स का ना मेरे को सबसे अच्छा चीज ये लगता था कि ये खरीदने के लिए आपको किसी शॉप पे नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाना। लोकल जैसे गाँव में लोग कुल्हाड़ी बनाते, वैसे लोग अपने घरों के ऊपर वर्कशॉप्स खोल के ये सब कुछ बनाते थे। भाई आज से 100-200 ईयर्स पहले ये लोग कैसे बनाते थे, ये लोहे का कहाँ से लेके आते थे कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं। बट तभी तो बोलते हैं ना कोन्याक्स लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट होते थे। एंड नो लाइसेंस, यू नीड नथिंग, जस्ट लाइक एक्स के जैसे खरीद के आप घर पे यूज़ कर सकते हो। इसी वजह से ब्रिटिशर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे इनसे, और ब्रिटिशर्स का इनका जो दिमाग का लेवल था वो देख के फटते भी थे कि अगर भाई कोन्याक लोग सही रहे तो हम इनके ऊपर कभी विराज नहीं कर पाएंगे। सो वो सब ओपियम वगैरह लेके इनको थोड़ा पीछे खिसका दिया गया, अदरवाइज आज के टाइम में अगर वही वाला कोन्याक होता ना तो भाई नॉर्थ इंडियन से भी कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। और ये जो आपको बच्चा लोग दिख रहा है ये है हेड हंटर्स का ग्रैंड चिल्ड्रन। इनकी इनोसेंस देख के लगता नहीं कि ऐसा कुछ कर पाएंगे, लेकिन इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे ही होते थे इनोसेंट, लेकिन लड़ाई के मामले में भाई वो क्या बोलते हैं ना, इनको बिल्कुल भी रहम वाला चीज़ नहीं। अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब अपने वाले के ऊपर आ जाते हैं तो कोई नहीं टिकेगा इनके सामने कोई। भाई अभी क्या एक फनी इंसिडेंट हुआ, जो अभी अंकल बैठे थे मैंने आपको दिखाया था, तो मैं उनको बोला कि मैं आपको फोटो खींचता हूँ, क्योंकि वीडियो बना रहा था तब उनको पता नहीं था मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बोले कि रुको रुको रुको, एक बार फोटो नहीं खींचने का, मैं अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आएगा फिर खिंचवाएगा। सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, ही इज कमिंग आफ्टर वेयरिंग हिज लोकल ड्रेस। सो हियर इज आवर हैंडसम हेड हंटर। तो ये जो आप माला देख रहे हो ये पुराने टाइम में इस तरीके से पहनते थे कि आपने जितना हेड चॉप किया है वो दिखाने के लिए एज ए सिंबल कि मैंने अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 कट किया है तो इसमें 5 पहनेंगे इस तरीके से। बट नाउडेज इट्स जस्ट लाइक ए कल्चरल थिंग एंड जस्ट लुक एट हिज ड्रेस। पहले के टाइम में ऐसा पहनता था बिल्कुल छोटा छोटा छोटा, ये प्राइवेट पार्ट कवर करने के लिए यूज़ करता था। और ये इसके ऊपर ये सेल्फ किस लिए लगाया? गार्ड दिस मेटल फॉर सेफ्टी। ओके, दिस फ्रॉम म्यांमार। ओके 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 ओके, म्यांमार। ओ ये है म्यांमार का माल है, म्यांमार का माल है। हम लोग को ये बनाना नहीं आता, नहीं है। ओके ओके ओके, और ये किस चीज का? ये हाथी का, एलिफेंट? नो, ये है चंकल का पिक। पिक, अच्छा, उसके बड़ा बड़ा दांत ऊपर निकला लेता है वो वाला। ओके ओके, उसका दांत है। हाँ 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 हाँ, ये वाला भी है। अरे भाई, जो जंगल का पिक बोल रहे थे ना मैं अब तक समझ नहीं रहा था, लेकिन आपने एनिमल प्लेनेट डिस्कवरी पे कभी कभी देखा होगा ना, वो हाथी के जैसे ऐसे दांत निकला रहता है सूअर लोग का, ये वाला दांत है वो बड़े वाला। और ये वाला भी सेम सेम ना, जी में बोला है उसको पोर 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 का पोर्क टीथ। ओके, समझ गया मैं, समझ गया। और ये किसे चलने के लिए यूज में करते थे या फाइटिंग के लिए? ये हम लोग फाइटिंग टाइम में ना ये जिला है। ओके, तो उस टाइम में हम लोग तो बंदूक तो नहीं चलिया, यही मेन है। ओके, इसको बोला है स्पीयर, इंग्लैंड में स्पीयर। ओके, आपने तो बिशी सुंदर लगे आशी जगो। यस जगो, यस यस। ओके, हिंदी में समझता नहीं, सुना तो होगा लेकिन बोलने से मुश्किल हो सकता, कमती आता है ना। अलो पलो बाईशे।
Now check his backside. What is this? ये दांत लगता है मेरे को किसका? Teeth? हाँ teeth. किसका? ये मिलेगा Southern से. Southern. Okay. कहाँ ocean है ना? हाँ. Ocean का मेल ओशिंग का मेला जो भी इन्होंने पहन रखा है टोटल ऑर्गेनिक है कुछ भी चीज मतलब वो मार्केट वाला नहीं लग रहा ये वाला चीज भी देखो आप छोटा छोटा दांत जैसा दिख रहा है ना ये जो स्नेल होता है उसके जैसे एक और होता है एनिमल कौन सा होता है पता नहीं उसका है ये जस्ट चेक हियर ये किसका बाल लेडीज का या किसका नहीं लेडीज का नहीं तो ये है सकुली अब सकुली नहीं जानता सकुली कोट 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 गोट गोट हाँ गोट ओके 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 बकरी का है भाई उसका है ओके कल कहाँ निकला है वो तो गास्तन निकला है गास्तन अलग अलग घास है ना घास घास ग्रास से हाँ ओके इसे लिया है तो इससे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें ग्वेटमाला की ट्राइब थी ट्राइब का मेरे नाम याद नहीं लेकिन वो भी ऐसे घास से कलर बनाते थे और मेरे को कोन्याक्स के बारे में पता चल रहा है भाई देखो ये भी घास से कलर बनाते थे तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो हाउ ब्रिलियंट दे वर ये भी देखो घास का कलर है ना वो भी कोट है अरे वाह वाह पुराने टाइम में ऐसे जाता था जब हेड हंटिंग पे जाता था तो दाव लटका के पीछे हाँ ओके ऐसा इससे काट देता था हाँ इन ये तो कभी नहीं गया होगा हेड हंटिंग पे या गया इनके डैडी इनका डैडी इनका पापा अबू तो मर गया वो जाता था उसने हेड हंटिंग किया होगा प्रैक्टिस में दैट्स व्हाई जो आपको नागालैंड में अभी पूरा नागालैंड हंटिंग करता हुआ मिलेगा ना हंटिंग बैन है यहाँ पे फिर भी करता हुआ मिलेगा इसका रीजन क्या है कि पुराने टाइम से दे नागा पीपल स्पेशली कोन्याक्स पीपल दे आर कनेक्टेड टू जंगल्स इनका जंगल में पूरा काम हो रहा है भाई हंटिंग बैन कैसे हो सकता है यहाँ पे क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं जो आपको कैच करेंगे हंटिंग की वजह से वो खुद हंटिंग पे जाता है ना और यह है ना ओके ओके एलिफेंट का टीथ है एलिफेंट टीथ एलिफेंट इसको ऐसे काट के बनाया फिर कंपनी नहीं है हम लोग भी बनाया है ये जो हंटिंग गया है वो लोग कितना कट रहा है सर कितना काटा उतना ये पहनेगा ना इतना है ओके ओके ये तो जानता है हम हाँ इसको क्या बोलता इसको लंगहा लंगहा हमको हमको हम लोग का जस्ट लाइक एलगार्ड इन क्रिकेट लंगहा थैंक यू सो मच हाँ थैंक यू आपका दांत ही ऐसा कैसे हो गया ए तामन का नाट का आपको ना पुराने टाइम में ऐसा बोलता था कि नागा लोग आदमी खाता है पता है क्यों बोलता था कभी बाहर का लोग आया तो वो दांत देखा ना उनका मुंह देखा ऐसा लाल लाल हुआ हुआ था बोला कि साला आदमी खाता है लेकिन एक सेफ्टी है हम लोग तामन खाता है तो जम्स नहीं आता जम्स नहीं आता वो लास्ट थिंग है ओके ओके अब कहते ना 40 एज होने से जम्स आ जाएगा चला जाएगा और जम्स आ जाएगा ओके ये तमुल खाने से ऐसा तो हो जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं कभी नहीं नहीं ओके 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 टाइट होता है तो टाइट हो जाएगा हाँ पूरा टाइट होता है कितना काला सबको ऐसा ही है यहाँ पे ओके सर जी देखो नाइस मीटिंग टू यू सबका ऐसा ये काला आपका दिखाओगे दांत ये बाजा बाजा कभी भी प्राण नहीं मारा तो अभी अपने हेड हंटर्स लोग को टाटा बाय बाय बोल के निकल चुके हैं एंड अभी जाना हूँ मैं तोबू और स्पेशल बात ये है आज मेरे जाने का कि नो व्हीकल क्योंकि आज संडे है तो बस भी नहीं है सुमो भी नहीं है कुछ भी नहीं है अगर कुछ ऐसे लोकल चलता हुआ मिलेगा तो फिर चेकिंग करेंगे लिफ्ट लेंगे और जाएंगे एंड दिस इज़ माई रियल हॉर्स जो कि मेरे को लेके आए थे अपने घर पे थैंक यू सो मच ओके फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट जो आपका आएगा ना कौन सा फेस्टिवल आउलिंग उस पर आएगा मैं ठीक है बाय बाय थैंक यू सो मच जो सामने दिख रहा है आपको वो है अबोई का बैपिस्ट चर्च एंड दिस इज द लोकल मार्केट ऑफ अबोई बट टुडे संडे सो एवरीथिंग इज क्लोज्ड यार कोन्याक्स की गाँव देखो पूरे नागालैंड से डिफरेंट मिलेंगे यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक दो घर ऐसा मिलेगा वो कच्चा बनाया हुआ ना घास फूस से टोटल घर आपको ऐसे मिलेगा टोटली ऑर्गेनिक जस्ट लुक देयर सेम तो ये भी अपना रोड मैप मोगोकचुंग 232 त्वेंचांग 132 एंड तोबू 87 कल गाड़ी नहीं मिला तो कल शाम तक पहुंच जाऊंगा मैं तोबू चलता चलता तो भाई रास्ता जो है वो पूरा जंगल वाला आ चुका है एंड जो तोबू है वो यहाँ से 90 किलोमीटर लेकिन अभी 5 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा थोड़ा थकान फील हो रहा है लेकिन अभी मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है दिस थिंग
महू, महू अराउंड 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर कवर करने में आई थिंक 2 घंटे में आराम से कवर हो जाएंगे। अगर 2 घंटे में महू पहुंचना है तो 1 किलोमीटर इन 8 मिनट्स कवर करना पड़ेगा मेरे को। ओह भाई भाई भाई, कोई गाड़ी का आवाज़ सुन रहा है मेरे को, कान ना साले ऐसे हो गए, 5 किलोमीटर दूर से आवाज़ सुन जाता है। देखते हैं अगर रोकेगा तो अच्छा होगा, अगर नहीं रोकेगा तो पैर तो हैं ही अपने साथ अपने। कितने किलोमीटर जा रहे हो आप लोग? हम तो आगे ही जाएंगे, लेकिन हमारे में जगह नहीं। ये लोग बीआरओ से पास में इनका कैंप है तो वहीं पे जा रहे थे। भाई मिल गया लिफ्ट मिल गया इसके अंदर, लेकिन 8 किलोमीटर चलने के बाद में इसको डालेगा कहीं पे। ओके हुआ? ये ब्रो हाय हाय, लेट्स गो भाई। लोग ज़्यादा से नहीं 10 किलोमीटर तक जाएंगे, लेकिन काफ़ी आराम मिलेगा भाई 10 किलोमीटर में भी। कहाँ से आ रहा है? हम राजस्थान। राजस्थान I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. ये वाला तरीका काम करना चाहिए यार, आई होप। इसके अंदर ही पत्ता डालो इसके अंदर एंड देन ट्राई। आए लौंडे, दिमाग को थोड़ा शांत रखना चाहिए तो सारे काम हो जाएगा। दिमाग शांत नहीं रखा तो लाइटर होगा तो भी नहीं चलेगा। ओके इट्स टाइम टू कुक आवर ओट्स, थोड़ा सा और कर ले। ओए भाई भाई भाई, ये ज़्यादा हो गया यार।